गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ माय चैनल। तो गाइस आज दिल्ली की तरफ जाते हुए हवा है गुड़गांव के ऐतिहासिक स्थल पे जिसका नाम है माता सीता का मंदिर। एंट्री पॉइंट है मेरे पीछे बगल में देखा एंट्री पॉइंट है और इसके यहाँ से अंदर जाना है वहाँ से खोलने को दिखाता हूँ आपको। चलो बैठ कर देखते हैं। कि मेरे को जूते उतारने के लिए फिर से बाहर आना पड़ेगा और फिर से दोबारा अंदर जा रहा हूँ मैं, तो दिखाता हूँ आपको। जैसा है कि अंदर नारियल देख सकते हैं आप, नारियल वगैरह जो चढ़ाए हुए नारियल है ऐसे ही इकट्ठा हो रखे हैं यहाँ पे। भाई साहब चट्टा लग रखा पूरा। ये है मंदिर का एंट्री जो है, यहाँ से आपको जाना है। ये है मंदिर प्रांगण बाहर से। यहाँ पे मुंडन हॉल है क्या? तो देखिए वो मन्नत का धागा वहाँ पे बांधा जाता है। और एक चीज़ जो खास है जो ऐतिहासिक यहाँ पे है वो इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आके जो आपके चरम रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं, सारे ख़त्म हो जाते हैं ऐसा मानना है। तो गाइस यहाँ पे मानता है कि अगर यहाँ पे आप घर बनाते हैं तो आपको माता एक घर जरूर देती है। अगर आप लोग यहाँ पे आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वह हुड्डा सिटी सेंटर है। हुड्डा सिटी सेंटर यहाँ से लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है। और जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो गुड़गांव रेलवे स्टेशन है जो यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो आ सकते हैं बिल्कुल यहाँ पे। और अगर बस वगैरह से आते हैं तो जो गुड़गांव बस स्टैंड है वो बिल्कुल इसके बगल में ही है, जस्ट 500 या 600 मीटर दूर है यहाँ से, तो आप लोग आ सकते हैं। अभी मंदिर प्रांगण जो है ये है लेकिन यहाँ पर एंट्री वगैरह है नहीं अभी क्योंकि यहाँ पर कुछ सजावट का काम चल रहा है शायद। यहाँ पर एंट्री वगैरह बंद है अभी। ये देखो अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर आप लोग यहाँ पे आते हैं तो चरम रोग तो दूर होती हैं और आपको एक मन की शांति भी मिलती है। यहाँ पे इतना सुकून है, इतना सुकून है, आप यहाँ पे आके अपना टाइम मतलब स्पेंड कर सकते हैं। दर्शन करने के लिए यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे जो है फ़ोटो खींचना भी अलाउ है नहीं, शायद एक काम वगैरह चल रहा है उसकी वजह से भी यहाँ पर बहुत कुछ बंद पड़ा है अभी। इसके अंदर देखो पेड़ पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये देखो ये मंदिर है, मंदिर प्रांगण है। अभी नवरात्रि में तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है और दर्शन करने के लिए यहाँ पे लोगों की लाइन लग जाती है। और ये देखो ये जो मतलब काफ़ी मस्त चीज़ जो है वो ये है, यहाँ पे ऊपर से सारे फैन लगा रखे हैं ये दर्शन के लिए। और कोविड नियम जो है उनका पूरा ख्याल रखा जा रहा है, आपको 1.5-2 मीटर की आपको पूरी दूरी रख के आपको यहाँ पर जाना पड़ता है। ये देखिए इसके अंदर से दर्शन करने के लिए जैसा हमारी पूर्णागिरी में है वैसा ही सेम है यहाँ पे, आप लोग आइए जाइए यहाँ से। तो मतलब ये छाँव में आपको पूरा जाना होता है, छाँव में आप रोड क्रॉस करने के लिए आप इस पुल से आ सकते हैं। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जो है बना रखा है मंदिर, काफ़ी ज़्यादा मतलब दर्शनीय मंदिर है। लेकिन अभी अलाउ है नहीं अंदर जाना, वहाँ मंदिर प्रांगण में जाना अलाउ नहीं है। हमने दर्शन कर लिए हैं लेकिन जो असली मंदिर प्रांगण था जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है वहाँ पे जाना अलाउ है नहीं। ये देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थंबनेल के लिए फ़ोटो क्लिक कर ले रहे हैं। तो गाइस मैं जा रहा हूँ शीतला माता के दर्शन जो है मैंने कर लिए हैं, तब जा रहा हूँ मैं रूम को। आज कहीं भी जाना हो नहीं रहा,
तो इस हफ्ते ब्लॉग जो है कम आने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो फिर भी तो मेरा प्रयास जरूर अच्छा लगा होगा आपको। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।